नमस्कार, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना सिन्हा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ब्रेड हॉग ने ऋषभ पंत की काफी तारीफ की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारतीय चयनकर्ताओं को ऋषभ पंत को वनडे और T20 की टीम में शामिल करना चाहिए। उनका कहना है कि ऋषभ पंत जिस तरह से शॉट खेलते हैं उसके कारण उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। ब्रेड हॉग ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं ऋषभ पंत को वनडे और T20 की टीम में रखूंगा क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास है। टेस्ट सीरीज में 2 मैच विजेता पारियां खेल उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ब्रेड हॉग आगे कहते हैं कि भारत के लिए खेलते हुए आपको ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। मैं उन्हें अय्यर के स्थान पर वनडे की टीम में रखता। आप बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गहराई रखने के लिए एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं। T20 की टीम में पंत को संजू सैमसन के स्थान पर होना चाहिए। ब्रेड हॉग ने यह भी कहा कि ऋषभ पंत को गेंदबाजी करना मुश्किल है क्योंकि वह काफ़ी अलग अलग शॉट खेलते हैं जो बाकी बल्लेबाजों से काफ़ी अलग होता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनको टीम में होना चाहिए। इस चाइना मैन गेंदबाज ने हालांकि विराट कोहली को कप्तान बनाए रखने की पैरवी की है। कोहली जब कप्तान होते हैं तो वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें हटा दोगे तो इससे भारतीय टीम के कल्चर पर प्रभाव पड़ेगा। इससे कोहली की बल्लेबाजी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यही नहीं, वह नहीं चाहते कि ऐसा हो लेकिन ऐसा होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडलिट में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौटे थे। बाकी के 3 मैच में रहाणे ने टीम की कप्तानी की और टीम को ऐतिहासिक सीरीज भी जिताई।